खुदाब यसुम सी के जिंदा जलाली बाबर कता में दी गॉस्पुर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद करते हैं हर बार की तरह आज भी पास्टर जॉन हमारे साथ मौजूद है पास्टर जॉन आपको खुश आमदीद वेलकम करते हैं थैंक यू रेचल प्रेस और जितने नाजरीन हाजरीन हमें देख रहे हैं आपको भी खुश वेलकम करते हैं और मेरा ईमान है कि आज का प्रोग्राम जो है वो आपके लिए आपके के लिए एक मुल्तान से साहिवाल से कसोवाल से चींचावती जानिया खाने वाल कोयटा पशावर इस्लामाबाद रावलपिंडी हर जगह से जो है वो आपकी अच्छी फीडबैक मुझे मिलती है अभी भी ये स्क्रीन के सामने नंबर छ इंशाल्लाह अगर कोई भी आपकी दुआ या दरख्वास्त है आप इस दिए गए नंबर पर हमसे राब्ता कर सकते हैं मेरा ईमान है कि आज भी आप खुदा की कसर से बरकतों को हासिल करेंगे अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो आप करते रहिए लेकिन अपने कानों को खुला रखें ताकि आप खुदा की आवाज को खुदा के कलाम को सुने और आज आप बरकत पाए जी पास्टर जॉन बिल्कुल रेचल आपने सही कहा और मुझे बड़ी खुशी होती है जैसे आपकी खुशी का इजहार अभी मैं देख रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोग कितना रिस्पोंड करते हैं इस प्रोग्राम को और मेरा दिल तो बाग बाग हो गया हाँ गार्डन गार्डन जिसे कहते हैं लोगों गया। का रिस्पॉन्ड देख कर के कि कितना इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं आपके शुक्र गुजार है कि आप किंग टेलीविजन को पसंद करते हैं तमाम ट्रांसमिशन को पसंद करते हैं गॉड ब्लेस यू हमारी दुआएं आपके साथ और मैं ईमान रखता हूँ कि आज का प्रोग्राम भी आपके लिए बाबरकत प्रोग्राम होगा और हम जब आपकी दुआई या दरखास्तों को पढ़ते हैं तो यकीन माने कि हम जो है वो दिल से आपके लिए दुआ करते हैं जब दिल से दुआ करते हैं तो खुदा उन सब के करीब है जो दिल से दुआ करते हैं और इसीलिए खुदा आपकी जिंदगियों में मुआजा भी करता है बहुत सी हमें गुआयाँ भी रसीव होती हैं इसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं ये सारा इज़्ज़त जलाल जो है वो यसुलसी के नाम को जाता है क्योंकि मैं और पास्टर जॉन जो है वो कोई काम नहीं बल्कि ये सारा काम ये सारे मुआजात जो है सारी शिफा का काम बरकत का काम निजात का काम जो है वो यस्सु अल मसीह के वसीला से आपकी ज़िंदगियों में हो रहा है जितना आप खुदा के करीब जाएंगे खुदा उतना ही करीब आएगा जितना आप खुदा के नाम का चर्चा करेंगे प्रचार करेंगे यस्सु अल मसीह के नाम का जिक्र करेंगे खुदा उतनी ही बरकतें आपको देता जाएगा जी बास जॉन क्या कहना चाहते हैं आइए हम आगाज करते हैं अगर आप के पास है, तो जी, परवीन है से उनकी और उनके शोल्डर पेन है और नेक पेन है। तो मैं चाहती हूँ उनके लिए भी दुआ करे जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं आप उन सबों के लिए भी दुआ करे अगर आपके भी नेक में कोई दर्द है या आपकी शोल्डर पेन है या बदन के किसी भी हिस्से में दर्द है आप ईमान से आके बंद करे खुदा के खादम आप सबो के लिए भी दुआ करते हैं आइए अपने आंखों को बंद कीजिए मैं दुआ करूँ खुदा तेरे नाम से बड़े ईमान के साथ हम तेरी हजूरी में आते हैं युसु के नाम से खुदांदेग तेरी बेटी परवीन के लिए खुदा जो कि हॉलैंड के अंदर है यसु के नाम से खुदा तो अपनी बेटी को छू हील कर ताकि हर किस्म का नेक का मसला yes, खुदा yes, का मसला yes, के नाम से जाता रहे है तो अपनी बेटी पर खुदा देख करम की नजर कर ताकि तेरी बेटी शिफा पाए oh, इज्जत और जलाल तेरे नाम को दे यसु के नाम से मैं हीलिंग को डिक्लेयर करता हूँ इसी वक्त जितने लोग इस किंग टेलीविजन को वॉच कर रहे हैं खुदा मैं उनके लिए भी हीलिंग को चाहता हूं अगर खुदा गर्दन का मसला है शोल्डर का मसला है तो यसु के नाम से जाता रहे उ तेरे लोग शिफा पाए ताकि खुद गुवाहियां पैदा हो और इज्जत और जलाल यस्सु के नाम को मिले

वो उसके नेक का मसला है और बेड लगी हुई है मैं चाहता हूँ क्यों ना हम उन लोगों के लिए भी दुआ करें तो मैं चाहता हूँ आप इस दुआ में हमें लीड करें ताकि उन लोगों के लिए दुआ की जाए जिनकी गर्दन के ऊपर बेल्ट है डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है तो अगर आप इस बीमारी के अंदर है मैं चाहता हूं अपनी नेक के ऊपर अपने हाथ को बढ़ाएं ताकि हम मिलकर आपके लिए मौजसे को को डिक्लेयर करें प्रेज ईमान से अपनी आंखों बंद कीजिएगा क्योंकि खुदा जो है वो दूर और नजदीक का खुदा है उसका हाथ छोटा नहीं के बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं के सुन ना सके वो मुआवजा का खुदा है अब उबर के खालिक और मालिक अबदीत के बाद सलामती के शहजादे तेरे खादम ने जो भी yes कहा मेरे खुदा हम मुतफिक yes होते हुए कुरान उन सबों के लिए जिनके नेक के ऊपर कोई बेल्ट लगाए खुदा हर तरह के बेल्ट तेरे यम सी के नाम से उतर जाए मेरे खुदा जिनकी गर्दन के ऊपर जो भी प्रॉब्लम है क़ुरा बोझ है गर्दन टेढ़ी है गर्दन में दर्द है मसल खिंचे हुए हैं हर तरह के गर्दन के मसाइल तरे यस्सुअलम सी के नाम से जाते रहे खुदा जिनके सर में कोई तकलीफ है

Praise the Praise Lord. The Lord. Rachel, खुदावन की तारीफ करते हैं और मेरा ईमान है कि बहुत सी गवाहियां जो है वो मसूल होंगी और सारा तो जलाल जो है वो यीशु के नाम को मिलेगा हाल ही हुई और इसी तरह एक और प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ मौजूद है आशीष सिंधु है उन्होंने लिखा हुआ जी प्रे फॉर माय ब्रदर वीज़ा तो पास्टर जॉन ये जो वीज़े का मसला ना ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश है दे कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ कैनेडा जाना चाहता हूँ यूके जाना चाहता हूँ मलेशिया जर्मनी यूरोप जाना चाहता हूँ शायद आपके भी दिल की यही ख्वाहिश हो तो जिस तरह से पहले भाई मुझे नहीं पता भाई है या बहन है आशीष सिंधु है उन्होंने लिखा हुआ जो मेरे भाई के वीजे के लिए दुआ भी बाहर जाना चाहते हैं ब्रॉड जाना चाहते हैं बैरून मुल्क जाना चाहते हैं आप भी वीजे की ख्वाहिश रखते हैं इनके साथ साथ हम आप सबों के लिए भी दुआ करते हैं तो खुदा के खादम से दरखास्त है कि आप प्लीज इन सबों के लिए दुआ करें जहां पर भी आप जाना चाहते हैं आज मज़ा आपकी जिंदगी में खुदा ने करना है आप ईमान रखें ईमान में पुख्ता रहे खुदा आपके लिए बैरून मुल्क के दरवाजे खोलेगा आइए दुआ करें खुदावन तेरे नाम से हम बड़े ईमान के साथ खुदा मुतफिक होकर yes, यस्ु के yes, नाम Lord. से जितने व्यूअर्स इस तो वक्त वॉच करें खुदा उनके लिए तेरी बरकत को चाहते हैं और खुदा जितनों ने भी खुदावन डिज़ायर शो किया है खुदा इस इसके इस लिए खुदा अल्तजा एप्लीकेशन दिया oh, खुद yes, यसु के नाम से खुदा देख तेरे बेटों को तेरी बेटियों को यसु के नाम से वीजा मिले ताकि रबुल्फ तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे बैरून मलक जाकर खुदा तेरे नाम की तारीफ करें शुक्र करें

कि अपने ताई दूसरों को दिखाएं अपने बहन भाइयों को बताएँ सबको बताएं क्योंकि अल मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना जो है मैं समझती हूँ कि हमारे ऊपर फ़र्ज है क्योंकि जिस तरह बाप ने अपने बेटे को इस ज़मीन पर भेजा कि बाप की बादशाही की खुशखबरी दूसरों को दे हमारा भी काम बनता है कि हम भी उसके नाम को इज्जत और जलाल दें और उसकी बादशाही की खुशखबरी उसके कलाम की बातें उसके जलाल की बातें हम सबको बताएं तो पासू जॉन जब लोगों को

में हर घड़ी हर लम्हा हर वक़्त खुशी में दुख में गम में खुदा को हमेशा याद करते रहना चाहिए बिल्कुल रेचल हमें यसुमसी को याद करना चाहिए युसमसी की शुक्रगुजारी करनी चाहिए जब हमारी जिंदगी में मुआवजा करते हैं या युसुमसी उस मवजे को रिवील करते हैं तो बहुत से लोग जो हैं वो मुआवजा रिसीव तो कर लेते हैं लेकिन वो उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते तो यही एक इम्पोर्टेंट चीज है जिससे खुदा खुदाउन यु खुश होता है कि हाँ यार मेरा बेटा जो है वो ही रिसीव द ब्लैसिंग नाउ ही इज गिविंग थैंक्स टू मी बिल्कुल तो आइए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है आप देख रहे हैं दिकॉस्टू